ये है वो खबर जो 22 मार्च को महोबा के मीडिया में छाई रही। आखिर कौन है चांद मोहम्मद जिसे मीडिया ने पुलिस या अदालत की कार्रवाई के पहले ही गुंडा करार दिया? क्या मामला है जिसमें भाजपा के नगर उपाध्यक्ष ने भी अपनी तरफ से फौरन कार्रवाई होने का संदेश भेजा? चांद मोहम्मद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उस पर धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश का आरोप, धारा 354 अ के तहत छेड़खानी का आरोप लगा है। तो क्या है ये मामला? चप्पल मारे हम बता नहीं सकते। दूसरे के घरों में साफ सफाई करने वाली कार्यकर्ता पुष्पा धुरिया ने इसे मारपीट और चोरी का मामला बताया। इस बात को पुख्ता किया पुष्पा के पति दीपक धुरिया ने। और अचानक वो जा रही थी, दीक्षित आंटी जी हैं, कमल में भाजपा में अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ जा रही थी काम करने। सो उनका दरवाजा खोला ही जैसे, तो वो पीछे से एक लड़का आया। सो जैसे ही आया वो पीछे से लड़का, उसने देख नहीं पाया, उसने पड़ाक से एक हाथ दिया कान पे, वो गिर पड़ी। तो आखिर चांद मोहम्मद ने पुष्पा को क्यों मारा? सर हमने उससे इजाजत मांगी, हमने कहा बेटा हम झांसी जा रहे हैं, आप घर पे रहना, नमाज वमाज पढ़ने जाना, नमाज पढ़ के अपने घर ही पे रहना। इसके बाद मुझे मालूम नहीं है कि जी कैसा का मामला हो पाया है, जहन खराब था उसका, गर्मी में उसका दिमाग घूम जाता है, उसका इलाज होता रहा कानपुर में, करीब 8 साल हो गए। तो और जो लड़का है, ये भी जानकारी हुई है कि वो लड़का नशा करता था, वो गांजा भी पीता था और शराब भी पीता है, और कुछ उसकी हरकतें इस तरीके की हैं जो मतलब मानसिक संतुलन जैसे उसका ठीक ना हो, जैसा कि सब बता रहे हैं उसके पड़ोस के कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो अगर उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो उनके परिवार वालों को अपने घर में रखना चाहिए था, बंद करके रखना चाहिए था, और वो अगर घर से आया था तो उसके साथ उनके परिवार के लोगों को आना चाहिए था। कुछ ऐसी घटना हो गई, अब उसमें इतना तूल पकड़ गया कि ये बजरंग दल, वो सब सेना, सभी जो है इसमें हावी हो गया। पुलिस आई, उसको पकड़ ले गई, और पकड़ने के बाद उसको लोगों ने मारा भी है, बजरंग दल लोगों ने। चांद मोहम्मद के परिवार और पुष्पा के शुभचिंतकों के अनुसार आरोपी मानसिक रूप से बीमार था, शराबी और गजेड़ी था। तो फिर क्या ये छेड़खानी और यौन हिंसा का मामला है? ये बिल्कुल हकीकत बात है कि लूट के हिसाब से ये आया था, उसकी छेड़खानी का मामला। हाँ झूठ, हाँ जी झूठ है। उसने यहाँ की नाक की कील निकाली, जो कान के झुमके पहने हुए थे और मंगलसूत्र पहने थी, 5 थपे वाला होता है जो, 5 थपे वाला वो पहने थे, वो बेहोश हो गई है, उसका सब छीन के वो भाग गया। लूट और मारपीट के मामले ने कब छेड़छाड़ और धर्म से जुड़े मामले का रूप ले लिया? आप मैडम, आपको भी अखबार में पढ़ा है आपने, है ना, और आपको पता भी है कि एक मुसलमान ने एक हिंदू औरत को नाजायज, मतलब कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं, ना उसके कोई जान ना पहचान ना कुछ है, और वो इस तरह से उसको मारता है, तो उसका क्या मतलब हुआ? आप बताएं सेंस लगा करके क्या मतलब हुआ? मामले पर महोबा कोतवाली के कोतवाल पंकज पांडे ने कैमरे पर बात करने से मना कर दिया। उनके मुताबिक चांद मोहम्मद को 22 मार्च को जेल भेज दिया गया है। मामला छेड़छाड़ का है या लूट का या सांप्रदायिक कुछ और, इसकी असलियत कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन मीडिया ने अपनी राय इस पर जता दी है, और जितनी चुस्ती से पुलिस और पार्टी वाले इस मामले में हरकत में आए हैं, उतनी चुस्ती महिला हिंसा के अन्य मामलों में दिखाते तो शायद महोबा में पिछले 3 महीने में कई शिकायतकर्ता न्याय पा चुकी होती।